भैया लाइट खराब हो गई है। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? स्विच बंद है तो भी वो लाइट लग रही है, जल्दी चेक करो। किस में? स्विच में। आ रहा हूँ। क्या हो गया यार? ये प्रॉब्लम है, बंद नहीं हो रही है क्या लाइट? भैया इसे देखो, क्या मिस्टेक है? अरे ये तो स्विच मिस्टेक है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो आप चेक करो। तो क्यों चेक करूँ, मैं मिस्त्री को बोलूँगा। तो आप खुद ही तो मिस्त्री हो। अरे तो मिस्त्री तो मुझे पता है मैं हूँ, लेकिन मैं किसी दूसरे मिस्त्री को बुलाऊँगा। उसको बुलाने के बाद ये मैं छोटी सी मिस्टेक कर दूंगा, फिर देखता हूँ वो क्या करता है। क्योंकि मैंने सुना है कि आजकल मिस्त्री ज़्यादा फ्रॉड हो गए हैं। ये बात है क्या? हाँ, तो एक बार मैं क्या करूँगा, इसे डायरेक्ट कर दूंगा, ख़राब कर दूंगा। किस मिस्त्री को चेक करना चाह रहे हो? हाँ चलो बुलाओ। तो मुझे तो पता है वैसे ही कि इसमें क्या मिस्टेक है, तो उसको थोड़ी पता होगा ना। ठीक है, फ़ोन तो करूँगा अभी। इसे पकड़ो आप। ये देखो भैया, इधर आओ। ये जो लाइट है ना, इधर इधर आओ। ये जो लाइट है ना जी, इसे मैं कर रहा हूँ खुला। ठीक है, ठीक है। और इसे है ना, मैं इसे डायरेक्ट करता हूँ। फिर इसे डायरेक्ट करने के बाद क्या होगा, अपनी लाइट जो है डायरेक्ट हो जाएगी। और डायरेक्ट होने के बाद क्या होगा कि वो मिस्त्री आएगा और चेक करेंगे क्या वो ईमानदार है या बेईमान है। ठीक है, तो वो चीज़ इसकी देखनी है। कभी तो मैं इसे डायरेक्ट करना हूँ। हार लेना पड़ता है? नहीं, मेरे दोस्त ने कहा था ये बात कि मेरे से इतने रुपए ले गया, वो ले गया। तो अब अपने भी देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बुलाओ मिस्त्री को, बुलाओ। ठीक है, हो गया है। बुलाओ, फ़ोन करता हूँ उनसे। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ जी, वो लाइट ख़राब हो गई हमारे घर की। क्या काम है? मतलब स्विच ऑफ रखने पर भी लाइट चल रही है, फिर भी मतलब चालू ही रह रहा है। मतलब लाइट हो जाए ना, चालू रह रही है। कब तक आओगे? थोड़ा देखो, हाथ में काम है अभी, कल तक आ जाऊँगा। कल तक जी? यार आज आ जाओ ना। ठीक है, आज ही आ जाओ। थोड़ा अर्जेंट काम है इसलिए कल आ जाऊँगा। ठीक है, ठीक है, कल आ जाना। इस बंदे के यार कल जाना पड़ेगा, हो सकता है छोटी सी परेशानी हो और मुझे वहाँ पर बहुत सारा पैसा मिल जाए। बिजली का? बिजली का। क्या हुआ? ये जो लाइट है ना, डायरेक्ट जल रही है। अच्छा, इसको ये अभी स्विच बंद है फिर भी जल रही है, 3-4 दिन हो गए। तो कॉल के देखना पड़ेगा इसको। हाँ, चेक करके देखना पड़ेगा भैया। प्रॉब्लम अंदर से है भैया? अंदर से प्रॉब्लम है। अच्छा जी, तो फिर इसको खोलना पड़ेगा पूरा, है ना? हाँ, खोल के देखना पड़ेगा, चेक करके। तो छोटी सी मिस्टेक है, अगर मैं इसे सही कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर 100 रुपये मिलने वाले हैं। मैं इनको उल्लू बनाता हूँ, इनको मैं कहता हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ा फॉल्ट है, जितने भी स्विच बोर्ड हैं सबको खोलने पड़ेंगे, तब ये मान जाएंगे, क्योंकि इनको कुछ पता नहीं है।
फिर मुझे यहाँ से 500 रुपये मिल जाएंगे। आइडिया, सभी बोर्ड को खोलना पड़ेगा। क्यों? देखो तार अर्थिंग हो गई क्यों फालन। सभी बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम है? हाँ, इसमें प्रॉब्लम इस लाइट में है, लेकिन सभी में कैसे होगा? और देखो अर्थिंग कुछ हो गई इसके अंदर, इसलिए वो जल्दी देखना पड़ेगा सारी बोर्ड। चलो भाई देख लो, आप ही जानते अपना काम। हाँ ठीक है। बोर्ड में जितनी फॉल्ट थी ना वो मैंने सब ठीक कर दिया। तो फिर अब क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? और देखो चेक करना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। इसमें तो बहुत बड़ा फॉल्ट है भैया। क्या हुआ? फॉल्ट बहुत ज्यादा इसके अंदर, देखना पड़ेगा एक बार। लाइट के अंदर प्रॉब्लम है, कोई तार चिपके पोर्सलिन के अंदर। उसने वो लाइट निकाल दी ताकि किसी को शक ना हो कि इस स्विच बोर्ड में मिस्टेक थी। उसने लूपिंग वाला जो वायर जो मैंने छेड़ा था उसी वायर को वापस से स्विच में लगा दिया। स्विच में लगाने के बाद वो लाइट वर्क करने लग गई, लेकिन वो लाइट निकली हुई थी। उसने बहुत ही अच्छा खासा दिमाग लगा करके, उसने पैसा छापने की आदत थी, तो इस तरीके से उसने वापस से कनेक्ट किया सब कुछ जॉइंट वॉइंट करके, और उसने हमें उल्लू बना दिया। सभी स्विच बोर्ड में मिस्टेक थी ही नहीं। लाइट को लगा करके फिर मुझे कहा, भैया एक बार बटन दबा के दिखाना। मैं चालू हो गए भैया। हो गया? ऐसे हो गया? ठीक है, हो गया। हाँ बहुत अच्छा काम हुआ। क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम बहुत भारी थी इसके अंदर भैया, फाल डाल निकालना पड़ा और चेक करके देखे। बोर्ड कितना टाइम लग गया? 4 घंटे लग गई। 4 घंटा चेक करने में लगता है ना, पूरे बोर्ड और खोल के देखे। सारे बोर्ड में फॉल्ट था क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। तो भैया कितने पैसे हुए? दे दीजिए आप 500 रुपये दे दीजिए। 500 रुपये? हाँ। किस बात के, इतनी सी प्रॉब्लम के लिए? तो भैया टाइम भी तो कितना लगे ना। टाइम से मतलब तो क्या क्या किया आपने? बोर्ड और चेक करके देखना पड़ेगा, पूरा फॉल्ट देखना पड़ा। तो चलिए यार 500 रुपये हुए। बिल्कुल 500 रुपये देना पड़ेगा आपको पूरा। ये लो भैया। ठीक है भैया 500 रुपये। आगे से यार ध्यान रखना, थोड़ा कम लेना है आपने। कम बिल्कुल वाजिब लिया है भैया। चलो ठीक है। ठीक है ओके। गाइस इस वीडियो का मतलब ये नहीं था कि किसी भी इलेक्ट्रिशियन को हर्ट पहुंचाना, क्योंकि हर इलेक्ट्रिशियन ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ इलेक्ट्रिशियन ऐसे होते हैं जो इस तरह का वर्क करते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि ऐसा वर्क ना करें। और दूसरी बात ये है कि जितने भी ग्राहक जो लोग होते हैं, जिनके यहाँ कोई ग्राहक के यहाँ इलेक्ट्रिशियन जो काम कर रहे हैं, आप लोग ये मेरी वीडियो देख करके उनको ठेस मत पहुंचाइएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो जो आपके काम करता है इलेक्ट्रिशियन वो भी आपके यहाँ गलत काम नहीं हो सकता, क्योंकि हर इलेक्ट्रिशियन ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना है। और दूसरी बात, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए, और मेरा 500 रुपये दे। 500 रुपये दो, फोकट के 500 रुपये ले लिए। ठीक है, बाय बाय। कैसी लगी वीडियो? बहुत अच्छी लगी वीडियो, बहुत अच्छी लगी, शानदार लगी। लाइक शेयर कमेंट कर देना।